अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की छठी सूरत यानी सूरह अनआम का वजीफ़ा बताने वाले हैं। नाज़रीन, ये सूरत यानी सूरह अनआम परेशानियों मुश्किलों को ख़त्म करने वाली है और नाज़रीन हर हाजत को पूरा करने के लिए इस सूरत का यानी सूरह अनआम का वजीफ़ा बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, अगर कोई ख़ास हाजत दरपेश हो और कोई सबब ना हो, कोई उम्मीद ना हो पूरी होने की, तो नाज़रीन इस सूरत को यानी सूरह अनआम को दिन के वक्त अपने घर में बैठकर एक ही मजलिस में, मतलब एक ही वक्त में 41 मरतबा ये सूरत यानी कि सूरह अनआम पढ़ें। नाज़रीन, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। नाज़रीन, ये अमल, ये वजीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी ख़ास हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। और नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर हाजत खुद ब खुद पूरी होती रहे, तो नाज़रीन इसके लिए इस सूरत को यानी सूरह अनआम को हर रोज़ नमाज फजर और नमाज इशा के बाद एक एक मरतबा पढ़ा करें। नाज़रीन, इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिएगा। नाज़रीन, इस अमल से, इस वजीफ़े से फिर किसी और वजीफ़े की कभी ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी, इंशाअल्लाह ताला बिफज़ल खुदा, मतलब आपकी हाजत खुद ब खुद पूरी होती रहेगी। नाज़रीन, हर मुश्किल, हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस सूरत को यानी कि सूरह अनआम को हर रोज़ नमाज फजर के बाद 21 मरतबा पढ़ें। नाज़रीन, ये अमल, ये वजीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन करें। नाज़रीन, इस अमल से, इस वजीफ़े से बड़ी मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला बिफज़ल खुदा। नाज़रीन, हमारे इस चैनल फैसल जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह।